सामने काली माता की इतनी बड़ी प्रतिमा है, मेरे ख्याल में थोड़े दिन पहले यहाँ पे कोहली साहब यहाँ पे खड़े होकर बता के कितना बड़ा ये धार्मिक स्थान है, यहाँ पे माँ काली के चरण है, तो यहाँ पे बस ये बाइन छापे खोल रहे हैं। ये तो सरकार का फंडा नहीं सानू समझांदा कि अपने जात वीआईपी बनाओ, जो गरीबे जात उन्हें शराबी बनाओ। पीसफुल प्रोटेस्ट था इनका, रोड पे खड़े होके ये अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि हमारी आवाज को आगे पहुंचाया जाए, हमें यहाँ पे वाइन शॉप नहीं चाहिए। पहले सारे जिले जम्मू में कोई आंदा कुत्थे जाना मंदिर शहर, हूँ अज कुत्थे जाना मदरा दे शहर। अगर ये पहले को यहाँ पे ओपनिंग करते हैं तो ये अपने बच्चे औरतों को लेकर भी सड़कों पे आ जाएंगे। भाई सरकार सिर्फ जम्मू कने गली है जिद पिटे, सानू अफसोस है कि ये जिद सिर्फ जम्मू कने, और हर 31 मार्च के बाद तो देखो दो त्रै नवे जात जमीन की वाइन छापा शहर में, अपने अखनूर की इन्नी पवित्र धरती लाना साधु संत की धरती आओ और वाइन छापा दिखो ना, तो इधरों जाओ एक 10 फुट उपर, तो एक और अगे जाओ 20-30 फुट उपर, एक और तुम राउंड मारो परिक्रमा लाओ, जो मंदिर लैं दो परिक्रमा लाओ, चारों साइड तुम वाइन छाप लो। एक तरफ से हमारी सरकार और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को जागरूक कर रही है, बच्चों का एक प्रोग्राम करवा रही है कॉलेजेस में जाके या स्कूल में जाके, नशा मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं नशे के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ। कल ही एक देखा गया प्रोग्राम जीडीसी खोड़ में, यहाँ प्रोग्राम किया गया ड्रग्स को लेके, नशा मुक्त भारत करने के लिए। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार खुद मिलकर यहाँ जम्मू में हर जगह ठेके खुलवा रही है। कोई टाइम था जहाँ पे जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता था, आज के टाइम पे देखा जाए तो जम्मू को ठेकों का शहर बोला जाता है। और नशे के खिलाफ यहाँ पे आज वाइन शॉप को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस सब पर हमारे साथ जर्नलिस्ट शिब्बी रागी जी, जिनको बलिवंती सारे लोग जानते ही हैं, हमारे साथ मौजूद है जो इनके समर्थन में है। हम सीधा इन्हीं से बात करेंगे। शिव जी सब तो भले जेके टाइम से तुंदा बड़ा बड़ा स्वागत, और आज जो लोग वाइन शॉप के वास्ते प्रोटेस्ट किया है, क्या आखना तुंदे ने? मोह जी पहले रोजगार ताई, फिर कमे काजे ताई, बिजलियां ताई, पानी ताई, हूँ ये नगारी मतलब शराबे ताई हूँ प्रोटेस्ट। दिखो तुहें इन्ना नहीं अपने जात तुंदे अपने सुधार लाओ, उन्हें वीआईपी बनाई लाओ, जेडे बगाने जागत न उन्हें शराबी बनाई लाओ। ये तो सरकार का फंडा नहीं सानू समझ आता कि अपने जात वीआईपी बनाओ, जेडे गरीबे जागत न उन्हें शराबी बनाओ। तुसे गल की है पहले सारे जिले जम्मू में कोई आंदा कुत्थे जाना मंदिर शहर, हूँ अज कुत्थे जाना मदरा दे शहर, हूँ तो शराबी बनी हजार। त्रीया बंदा दिखो एक गैप होंगे जिसे कोई पहले पहले वाइन शॉप होंगी किलोमीटर हिसाब होंगी, कोई बंदा जंदा भी है एक अद्धा क्वार्ट लैंदा घर पुजदा हूँ घर के बाहर वाइन शॉप, पैग लाओ घर जाइए जनानी कुटो, पैग लाओ घर जाइए जागत ही मारो, पैग लाओ गुआढ़ी के घर बट्टे मारो। ये सरकार की फंडा नहीं समझ आ रहा, सरकार की नीति नहीं समझ आ रही कि भाई सरकार सिर्फ जम्मू कने गली है जिद पिटे, सानू अफसोस है कि ये जिद सिर्फ जम्मू कने, और हर 31 मार्च के बाद तो देखो दो त्रै नवे जात जमीन की वाइन छापा। वो मैं ये गल नहीं समझ आती कि भाई सिर्फ जम्मू वाला जवाक है जोड़ा उसी तो अनपढ़ रखना चाहते हो, उन्हें तो शराबी बनाना चाहते हो, उनका तो बेड़ा गर्क करना चाहते हो, नौकरी तो उन्हें दे नहीं सकते। अगर तुम घट तो घट उन्हें नौकरी नहीं दे सकते तो सानू अपने घर मस्त रहन दो, साढ़े जवाएं की साढ़े बच्चे ही मस्त रहन दो, उन्हें बेरोजगार के सही मारो शराबी नहीं बन। हर बंदे की इको ख्वाहिश होंगी है अज भमाल आए जरा प्रोटेस्ट किया उनके दिले अग बली है कि भाई देखो सच्चाई है कि यार तुम्हें घर बार कोई सौदा ऐसा वैसा है ना, तो जिन्ना मर्जी बचा लो अपने जात। जियां एक बारी पिछले बारी एक खबर लगी पिछले 31 मार्च की कि भाई अगर तुंदा तुंदे बच्चे अगर तुम सामभ नहीं सकते उन्हें शराबी गली बना, प्रभु ये अखाण ये माण है। जिला बंदा दिखो देखी आते खरबूजो के देख के खरबूजा रंग पकड़ता, एक शराबी होना दूआ कने घसीटना घसीटना जो मर्जी कर लो। तो मैं आखना इस सरकार की नीति उपर मैं देर लान तो लाना कि जेडे सिर्फ तो सिर्फ जम्मू के बेरोजगारी तो मंगाई नहीं सकी, जम्मू के जेड़े जवान उनका बेड़ा गर्क करने लगी। बड़ी मैं आखना चाहता जिन्हें आखिया वाइन शॉप खुला दी है, इन्ना रेवन्यू डिपार्टमेंट कोई एक इट भी छड़ी पलैंथ वास्ते नहीं गै कटता, रेवन्यू डिपार्टमेंट ही पुजी जाता, गरीब बंदे तंग करने वाली गल है। इंदा आखना यह है कि जितने दुकाना बनाई दी हैं वो एक स्टेट लैंड सरकारी लैंड जी चली है, उत्थे आखिर रेवन्यू डिपार्टमेंट की अखा बंद करी सुते है जो उन्हें पता चले कि सरकारी लैंड पर जी दुकाना बनी है, क्या मिली भाग? प्रभु जी मिली भाग ये आसा आइंदा कि रेवन्यू डिपार्टमेंट का जिले नाल है ना, फिर यह नहीं आखना मिली भागत है, अगर तो समझदार यह नहीं आखना मिली भागत है, समझ लो 100% है। एक गल यह है कि उत्थे बनी कि गई इन्ना चेहरे के जमीन पर सीधा दुकाना खड़िया हुई नहीं होनी,
अगर सरकार ही जगह सरकार ही तो बाइन साहब अज लगी है खुलन दुकाना डायरेक्ट खड़िया नहीं होनी कोई पटवारी ने गाड़ी पी होनी कोई गुरद्वारे कने कोई तहसीलदार कने कोई नायब कने फिर दुकाना खड़ी हुई तो अज पता लगे ना कि सरकार क्योंकि वाइन शाप लगी खुलन जल्द इंक्वायरी हुई रेवन्यू डिपार्टमेंट की यह गल नहीं आखनी कि भाई मिली भागत वो मिलती होंगी है और 100% मिली होंगी जी वाइन शापा खिला देना है एक तरफा सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बड़े प्रोग्राम करा दिए स्कूलें कॉलेजेस होइया या इन्हें आम इन्हें लोगों ग्रां ग्रां ये नशा मुक्त भारत अभियान चलाना जी ये फिर आखिर अगर नशा मुक्त भारत करना है तो फिर वाइन शापा रहो जी जेड़े भी मैं तुम्हें एक गल सुना तुम देखते हो सतवाह होंगे सत्संग होंगे वो 11 बंदे सत्संग सतवास होंगे अगर वह सही दिले कहने ले लैन ना वो साधु बनी जान ये जेडे बैनर लाई लाइए बच्चे स्कूली वाले पकड़ा नशा छोड़ो है ना दूआ कुछ आखना मारे अपने हाईलाइट करी ओड़ो कुदै अपने कोई प्रोग्राम चलाई ओड़ो नशा छोड़ो और उस नशा छोड़ने जोड़ा प्रोग्राम होंगे वो पैसे लगते हैं पता थोनू जोड़ा प्रोग्राम कराएगा उसी थोड़ी फंडिंग लभनी और 100% गल अस इन्नी गल सारे नहीं आखते मगर कुछ ऐसे लोग होने जो पैसे बचने ना शामी उन्हें भी बोतल खोली दी होंगी दिखने करलांदे रहते नशा छोड़ो ए शामी सब तू ज्यादा नशा उऐ करा दे होंगे क्योंकि उन्दे पैसे होंगे और सच्चाई इस विड़म्बना जम्मू की ऐसी विड़म्बना होई दी है कि साढ़े डोगरें कन्ने इन्ना बड़ा खिलवाड़ करा दी है सरकार इन्ना बड़ा खिलवाड़ करा दी है अस इस सरकार की अच्छी नीति प्रशंसा करने कि बड़े सारे इन्हें बड़े अच्छे काम किए लोकें शौचालय बनाई दिते लोकें घर दिते लोकें की बिजली पानी की मुहैया सेवा की बड़ा कुछ बहुत बहुत अच्छा किया उन्हें मगर कमी ऐसी आती कि जिले मतलब नौजवानों के जल्द खिलवाड़ शुरू होता किन्ने नौजवान जागत हर त्रीए दिहाड़े कुदै कुदै अस शिकार होए शराब पीए कोई एक्सीडेंट होए दा कोई शराब पीए फट मारा कोई शराब पीए चोरी करा दा नशे ही बधा देना ये मैं सिर्फ इयै सरकार कोलू इको इस चीज़ का मलाल है कि रोज़गार तो नहीं दे वेले बैठे दे घर बैठे दे सही सलामत बैठे बड़ी खुशी है पर घट तो घट ऐसा भी नहीं करो कि बेड़ा कर करो अजकल कले कले जागत लोगों ने तुंदे चक्कर इन्हें जागत मौत हुई हैं पर इन्हें कोई एहसास ही नहीं क्योंकि इन्हें अपने जागत सही बड़ी शर्म आली गल है शिव जी जिते साढ़े इतने अपने डोगरे और एक आखते हिंदू धर्म अपनाते सनातनी लोग ने साढ़े इतने वाइन शॉप जी खोले बिल्कुल काली माता का प्रसिद्ध मंदिर है और कन्नै गुरु रविदास का मंदिर है स्कूल है स्कूल एक शिक्षा लेंदे बच्चों भी एक मंदिर है उनके बिल्कुल कोल होने बावजूद भी फिर भी ठेका मतलब दबा दबाई मोहित जी एक गल तो मी हसाई है मी एक गल दसो तुम मेरे कन्नै जाना जिन्हें वाइन शॉप है ऑल ओवर साढ़े इतने और केड़ा रूल फॉलो किए दा एक मी एक दुकान दसी दो जिन्हें सही रूल फॉलो किए दा वै तो बाजार चली जाओ क्या सेकेंडरी स्कूल सामने नहीं है और पिछे चली जाओ अगर तुम रेंज की गल करते अखनूर ये मैं मंदिर शहर रहना मैं अपने अखनूर की इन्नी पवित्र धरती लाना साधु संत की धरती आओ और वाइन शापा दिखो ना तुम इधरों जाओ एक 10 फुट पर तो एक और अगे जाओ 20-30 फुट पर एक और तुम राउंड मारो परिक्रमा लाओ जो मंदिर लेंदे हो तो परिक्रमा लाओ चारों साइड तुम वाइन शाप लो तो कैसी गल कर दो ये अजकल रूल है जेडे रेगुलेशन ना वो साढ़े ताई ना साढ़े तबके ताई गरीब तबके ताई मिडिल क्लास ताई तुंदे ताई नू इंदे लोके ताई थोड़े ना इन्हें तो तस तस्सी भी कराई लेना इन्हें साम दाम दंड भेद सब किश है इंदे कोल पैसा भी है बोलने वाले की फैंटा भी फेरीना इन्हें तो कई ऐसे होने जिन्हें आखना नहीं महाराज इन्ना उन्होंने आह पुत्रा तू कड़ी कड़ी जमया साढ़े अगे उसी उन्होंने लपेटे ले लेना मतलब ये सरकार सीधा सीधा फट मारा दी है उन्हें माँ प्यो पर जिंदे जात अज जेहड़े नशे आली साइड इंदी वजह ने तगड़ो धन्यवाद जी तो ये थे जर्नलिस्ट शिविर रागी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राबिया खजूरिया मैम जो ये भी जर्नलिस्ट हैं हम सीधा इनसे बात करेंगे मैम आपका क्या कहना है जैसे लोगों का आज एक उग्र प्रदर्शन किया है रोड ब्लॉक करके वाइन शॉप को लेके आपका क्या कहना है देखिए पहली बात तो एक तरफ अगर सरकार बोल रही है कि बच्चों को युवा को नशा मुक्त रखना चाहिए और कहीं ना कहीं ड्रग्स को लेकर इतने सारे सेमिनार्स जगह जगह जाकर वो अपना एक दिखाते हैं कि नहीं ये गलत चीज़ है यहाँ के लोग बोल रहे हैं ठीक है माना कि रेवेन्यू इसी चीज़ से इकट्ठा होता है लेकिन यहाँ के लोग यहाँ के पंचायत के लोग यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो अपनी नहीं चाहते कि हमें यहाँ पे वाइन शॉप ये तोहफा नहीं चाहिए ये गिफ्ट नहीं चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने बच्चों का भविष्य खराब होते नहीं देखना चाहते रेफ्यूजी लोग हैं आगे ही इनको पता नहीं कितनी पटरता से यहाँ पे रखा गया यहाँ पे आए हैं अपनी मेहनत मजदूरी से रोजी रोटी चला रहे हैं 40 साल हो गए इनको सफ़र करते हुए क्या किसी ने इनकी तरफ नज़र उठा के देखा कि कैसे रह रहे हैं इनका रहना सहना कैसा है कैसे ये अपना गुजारा कर रहे हैं रोटी रोटी कहाँ से आ रही है बच्चों की पढ़ाइयाँ कैसे आ रही है अच्छी चीज़ें तो लाने से रहे क्या यहाँ पर कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री खुली है यूटी बना दिया लेकिन यहाँ पर कोई फैक्ट्री लाई इन्होंने यहाँ पर रोज़गार दिया लोगों को यहाँ के बच्चों का
कुछ सोचा इन्होंने? डेली वेजरों के लिए अगर मुद्दा इकट्ठा किया जाए, डेली वेजर लगाए थे, उनको तनख्वाही नहीं मिली, वो कहीं ना कहीं खज्जल हो रहे हैं। नौकरियां तो दूर की बात रही जनाब, यहाँ पे उल्टा नशा लाकर इन लोगों का भविष्य खराब कर रहे हैं। तो आने वाली इलेक्शंस है, सरकार को चाहिए इन लोगों के बारे में सोचे, इन लोगों की तरफ ध्यान दें। इनको नहीं अगर ये तोहफा चाहिए तो यहाँ से तोहफे की सौगात को उठाकर कहीं और लेके जाओ, रेवेन्यू इकट्ठा करना कहीं और से करो। जब लोग ही नहीं मंजूर है तो यहाँ पे खोल के क्या करेंगे? इसीलिए आने वाली इलेक्शंस हैं। ये लोग जो बता रहे हैं कि इनके इनके पास उनके मेमोरेंडम्स लेके जब ये गए थे तो युगल किशोर हमारे माननीय MP साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो आप भी देख लीजिए, आपको फिर टिकट मिला गया है, अखनूर में आइए। ये लोग बोलते हैं गिनती से आपका काम तो गिनवा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे इनको वाइन शॉप नहीं चाहिए। ये आप ही के कागज पर, आपके लेटर पैड पर आपने कहा है कि मैं इनका सहयोग दूंगा, यहाँ पे वाइन शॉप नहीं खुलनी चाहिए, तो नहीं खुलनी चाहिए ऐसा कहना है। क्योंकि आज जब हमने इनसे बात कही है मोहित जी, तो इन्होंने साफ शब्दों में बता दिया है ये पीसफुल प्रोटेस्ट था इनका, रोड पे खड़े होकर ये अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाया जाए, हमें यहाँ पर वाइन शॉप नहीं चाहिए। आने वाले समय में अगर ये पहली को यहाँ पर ओपनिंग करते हैं तो ये अपने बच्चे औरतों को लेकर भी सड़कों पे आ जाएंगे, फिर खैर मनाइएगा आपका, आप इलेक्शन भूल जाइए। तो बस इतना ही बोलो, धन्यवाद। रावी मैम हमारे साथ मौजूद हैं इस यहाँ बमाल के एक्स सरपंच सुमन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधा इनसे, सर सबसे पहले आपका JK टाइम्स में स्वागत है, और क्या कहेंगे आप आज, आप सारे लोग इकट्ठे होके एकजुट होके आप लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया, क्या कहना आपका? मोहित जी, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक यही बात पहुँचाना चाहते हैं कि पूरा समाज जहां हमारा इकट्ठा हुआ है, जितने भी हमारे पंचायत के बुजुर्ग हैं, वो लोग वहां पे इकट्ठे हुए हैं इसीलिए कि वाइन शॉप ओपनिंग हो रही है। हम चाहते हैं कि ये वाइन शॉप यहां ना खुले, ये सौगात हमें नहीं चाहिए। तो यहां पे वाइन शॉप किस लिए खोलनी है? इतना बड़ा गाँव तो है नहीं, रिफ्यूजी लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो ये वाइन शॉप के लिए अपने, हम पहले भी आपको बता, सभी को हमने बताया कि MP साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि ये वाइन शॉप नहीं खुलेगी, उसके बावजूद भी ये कुछ हो रहा है। ये कौन है कालरा? ये कालरा के नाम से कोई है, इकबाल कालरा जी, यहाँ जम्मू बाहर से बोलते हैं कि DGP के कोई बेटे हैं, पता नहीं, हमें तो पता नहीं है कौन DGP था कौन नहीं था। तो ये उनके नाम से ये वाइन शॉप आज भी ओपनिंग के लिए ये दौड़ रहे हैं। तो पहले हमारे पास भी, हमने उनको जवाब दे दिया कि हम नहीं थे भैया, हम नहीं खोलेंगे, हम इसके हक में नहीं है। फिर उन्होंने, हमारे पंच हैं, हमारे चाचा जी हैं करण सिंह, उनके पास अप्रोच की, हमने उनको भी कन्वेंस किया कि आप दुकान मत दो, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया। फिर हमारे आगे हैं जोगिंदर सिंह जिंदो, उन्होंने वो अपनी दुकान रेंट डेट भी उनकी हो गई है, और रेंट डेट में पटवारी रिपोर्ट डालता है, ये पटवारी की रिपोर्ट है और इसमें तहसीलदार साहब के साइन है। मुझे ये समझ नहीं लगता है कि मेरे गाँव में अगर कोई एक ईंट भी लगाता है, हमारे गांव में तकरीबन जितनी ज़मीन है 168/8 स्टेट लैंड है, अगर कोई एक ईंट भी लगाता है तो पूरा डिपार्टमेंट वहां पे JCB लेके दौड़ के आ जाता है। ये जो ये है, ये देखिए आप, राम राम, ये वो नकल है जो पटवारी साहब ने रिपोर्ट बनाई है। इसमें साफ साफ पटवारी साहब ने लिखा कि जोगिंदर सिंह सनब श्री वांको सिंह, इन्होंने जो ज़मीन कोई एग्रीमेंट करके या कुछ भी करके, रोशनी एक्ट, अगर रोशनी जमीन थी तो वो बिकी कैसे, और बेचने वाला कौन था? रोशनी जमीन बिकती नहीं, अगर बिक भी गई उस पर मकान बिल्डिंग नहीं बनती, अगर बन भी गई तो सरकार अगर लाइसेंस इशू करती है तो वो सरकार जमीन के ऊपर दुकान का लाइसेंस नहीं इशू करेगी, इतनी नॉलेज हम भी रखते हैं, इतना उनको भी पता है। तो जोगिंदर सिंह के पास ना ही उसकी गिरदावरी है, ना ही उसका इंतकाल है, ना ही उस पर चौकीदार है, तो ये दुकानें रेंट पे कैसे दे रहा है? अगर सरकार है तो फिर सरकार क्या कर रही है? बननी नहीं चाहिए थी, वो बननी नहीं चाहिए थी। अगर बन भी गई, सपोज बन गई, तो ये बोलते हैं कि हमने सरकार जमीन पे कैप्चर कर रखी है। अगर कैप्चर करिए, हमारे पास इतने ऑफिस हैं, इतने दफ्तर हैं जो हमारे खज्जल हो रहे हैं, उसे जमीन को सीज करो भाई, उनको दो ना डिपार्टमेंट्स को, वो एक एक दुकान उनको दो जिनको जरूरत है। आप वाइन शॉप आके वहाँ पे खोल रहे हो, ये हम खोलने नहीं देंगे। वाइन शॉप के लिए आपने बात की, वाइन शॉप ये खुल रही है, क्या ये नई वाइन शॉप आ रही है? यहाँ सुनने में आई नहीं, 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 ये वाइन शॉप सबसे पहले सोल में आई, सोल पंचायत में आई, वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ से इन्होंने उठा दी। अगले साल ये वाइन शॉप चलेगी जड में, जड वालों ने ऑब्जेक्शन किया, वहाँ से भी चले गई। उसके बाद प्रोटेस्ट किया लोगों ने, उसके बाद भी वाइन शॉप चलेगी चौधरीवाला में, चौधरीवाला में लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे इकट्ठा हुए लोग नहीं चाहते थे कि ये ना खुले। अभी इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं बचा, देखा कि गरीब जनता है, रिफ्यूजी लोग हैं, ये बोलेंगे नहीं, उठा के ले आए वो माल में, ये चीजें नहीं हमें चाहिए। हमारे पास देखो सर,
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हमारे पास, उसमें 8 से 10 यही है, इतना बड़ा स्टाफ है। पहले बटाले चक में था, अब वो नड में चला गया। हमें वो वापस चाहिए भाई, वो नहीं दे रहे हैं। फर्स्ट वैक टू विलेज में हमें ज़मीन दी गई 5 कनाल स्टेडियम के लिए, प्लेग्राउंड के लिए, और क्या बोलते हैं इसको, पंचायत घर के लिए। वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है। हाँ, तहसीलदार साहब ने 2 दिन के अंदर ये वेरीफाई कर दिया, ये दुकान है। और तहसीलदार साहब ने क्या लिया ना, कैसे किए हुए हमें नहीं पता। और मैंने पर्सनली तहसीलदार साहब को फ़ोन किया, मैं जनाब यहाँ पे हमें भाई साहब नहीं है। आप कौन बोल रहे हो? मैं, मेरी मिसेज सरपंच थी, वो थी, अभी वो एक्स है। मैं, जनाब हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, आपने हमारी पेंशन बंद की है, लोगों ने सरपंच बोलना थोड़ी ना बंद कर दिया है, एक्स ही बोल रहे हैं, है तो सही। तो ये कैसे रिपोर्ट डल गई? पटवारी साहब डलते, वहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, 100 मीटर के दायरे में वहाँ पे अपना रविदास मंदिर है उनका, सब वहाँ पे सामने काली माता की इतनी बड़ी प्रतिमा है। मेरे ख्याल में थोड़े दिन पहले यहाँ पे कोहली साहब यहाँ पे खड़े होकर बता के गए कि इतना बड़ा ये धार्मिक स्थान है, यहाँ पे माँ काली के चरण हैं। तो यहाँ पे बस ये वाइन शॉपें खोल रहे हैं। स्कूल है हमारा गुड़ा मटियाला 100 मीटर के दायरे में, अकेडमी है मास्टर जी की वहाँ पे, इनकी तो 50 मीटर भी नहीं है। एक उसके आगे काली माता का मंदिर है, यहाँ पे ये जहाँ पे ये दुकान खोले उसके सामने कब्र जनाना है, जब ये छोटे बच्चों को दफनाया जाता है तो वहाँ पे आके लोग क्या करेंगे? ये ऐसी चीज़ें पटवारी साहब को वो नहीं दिखा, उन्होंने फटाफट रिपोर्ट डाल दी कि ये है, और साफ साफ लिख दिया कि ये न्यू वाइन शॉप ओपनिंग के लिए है, NOC। ये कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। तो हम DC साहब को यही बोलेंगे कि हमें ये सर वाइन शॉप नहीं चाहिए। आप जैसे आप, हम गए थे DC साहब के पास, उन्होंने बोला आप लोगों को समझाओ। हम किस किस को समझाएंगे? अपने गांव को तो समझाएंगे, बाहर से भी लोग आएंगे ना, उनको कौन समझाएगा? जरूरी तो नहीं है कि वाइन शॉप खोल रही है कि हमारे गांव के लोग भी आएंगे, बाहर से भी लोग आएंगे, 8-10 पंचायतें हैं, वहां से भी लोग आएंगे, उनको कौन समझाएगा? कल यहां दंगे होंगे, कोई किसी का पंगा होगा, कोई झगड़ा होगा, उनको कौन समझाएगा? ये ठेका आपके पास है, हमारे पास नहीं है। जब मरेंगे तो पुलिस आ जाएगी पकड़ने के लिए। जब कब कोई मरेगा या किसी को लग जाएगी, रोड है, अगर दारू पी के कोई गिरा होगा, अगर कोई उठाएगा वो गाली निकालेगा, वो कोई राम राम नहीं बोलेगा किसी को। ये चीज़ें देखनी चाहिए सरकार ने। इलेक्शन का टाइम है, MP साहब से गुजारिश करेंगे, हम उम्मीद भी करेंगे माननीय जुगल किशोर शर्मा हमारी बात सुनेंगे, और मुझे पता है जरूर सुनेंगे। तो ये अभी यहाँ खुल रही है, कल और भी खुलेंगी। तो हम चाहते हैं कि ये बांछा हमारी नहीं खुले। तो देख सकते हैं ये थे एक्स सरपंच सुमन सिंह जी, तमाम अपने स्थानीय लोगों के साथ यहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने आज एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जब हम लोग कोई PMY की जो फाइल्स लगी हुई हैं, जो मकान बनाना होता है वो अगर शुरू करें, तब भी एक ईंट भी लगाएं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ पे पहुँच जाता है JCB लेके तोड़ने के लिए। आज जब ये इन्होंने अपना मुद्दा रखा हुआ है, जब इनका यही कहना है, जो स्टेट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी जगहों पे देखा हमने बोर्ड लगाए हुए हैं, कोई काचराई लैंड है, कोई स्टेट लैंड बोर्ड लगाया होता है वहाँ पे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं की जाती। लेकिन अगर ये जगह स्टेट लैंड थी, यहाँ पे किस तरह के कंस्ट्रक्शन हुई है, 6 दुकानें बना दी गई हैं, और अभी उसको रेंट पे देके यहाँ पे वाइन शॉप खोली जा रही है। एक तरफ से सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बड़े सारे प्रोग्राम करवा रही है कि हम नशा मुक्त भारत करेंगे। एक टाइम वो भी था जब जम्मू को एक मंदिरों का शहर कहा जाता, आज देखिए जगह जगह ठेका खोल के जम्मू को मदिरा का शहर बोला जा रहा है। और इन लोगों का साफ तौर पे यही कहना है DC जम्मू से कि सर हमें जो कुछ मर्जी हो जाए, हमें यहाँ पे वाइन शॉप नहीं चाहिए। एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये MP माननीय जुगल किशोर शर्मा जी से भी कि सर हमने आपको भी एक लेटर भेजा था, मेमोरेंडम दिया था कि हमें वाइन शॉप यहाँ पे नहीं चाहिए, फिर भी जो ज़बरदस्ती के साथ यहाँ पे वाइन शॉप जो है खोली जा रही है। और इसी के सब पर आज सब ये सब लोग स्थानीय लोग इकट्ठा हुए थे कि यहाँ पे वाइन शॉप जो है नहीं खोली जाए। फिलहाल जनता कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन रोहित के साथ, जय हिंद।